कराची के साहिल से मुतालिक तो आपने जाना, बदीन के साहिल का रुख करते हैं। समुद्री तूफान बैपरजॉय की शिद्दत में इजाफे के बाद जिला बदीन के साहिली इलाकों में तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे आगा बदर से। आगा बदर, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, बहर अरब में उठने वाले समुद्री तूफान बाइपर जवाय ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मैं आपको यहाँ ये बता चलूँ कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से ज़िला बदीन और साहली इलाकों पर जो शदीद गर्मी और हफ्स का राज था, लेकिन तूफ़ानी हवाओं का सिलसिला जारी हो चुका है, जिसके बायस साहली इलाकों के माहिगीर और इलाका मकीनों को में जो है खौफ वराज पाया जा रहा है। और मैं आपको यहाँ ये बता चलूँ कि आज बदीन के साहली इलाकों का वज़ीर आला सिंध ने मुराद अली शाह ने जो है फ़िज़ाई दौरा भी किया था, और इंतज़ामिया की जानिब से जो है अपना माहीगीरों के लिए अहकाम भी जारी किए गए थे। लेकिन जब मेरी माहीगीरों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इंतज़ामिया की जानब से अहकाम तो जारी हुए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अमली ठोस इकदाम नहीं किए गए। जबकि इंतज़ामिया की जानब से मुख्तलिफ इदारों के जो मुलाजिम थे उनकी छुट्टियाँ भी मंसूख कर दी गई हैं, और जो ज़िले भर के अस्पताल हैं उनमें भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि इस वक्त भी जो है बदीन के साहली इलाके और जो शहरी इलाके हैं उनमें भी इस वक्त जो है तूफ़ानी तेज़ हवाओं का जो है सिलसिला जारी है।